कञ्चनजङ्घा एक्सप्रेस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या हालसम्म 15 पुग्यो। डिब्बामा फँसेका मानिसको उद्धारको प्रयास जारी। प्रधानमन्त्रीले क्षतिपूर्ति दिने गरे घोषणा। मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी र रेल मन्त्री अश्विनी दुर्घटनास्थलतर्फ प्रस्थान। कञ्चनजङ्घा एक्सप्रेस रेल दुर्घटना, घाइतेहरूलाई उत्तर बङ्गाल मेडिकल कलेज अस्पतालमा ल्याइएपछि हेल्पलाइन नम्बर गरियो जारी। नमस्कार दर्शकवृन्द, म मुकेश, स्वागत छ यहाँलाई एसके लाइभमा। This program is brought to you by Dear Saptahik Lottery, केवल 100 रुपैयामा अनि जित्नु होस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैया। Dear Saptahik Lottery, भाग्य बदलिने बाटो। आसामबाट कोलकाता आउँदै गरेको ट्रेन 13176 कञ्चनजङ्घा एक्सप्रेस उत्तर बङ्गालमा दुर्घटनामा परेको छ। पश्चिम बङ्गालको रङ्गपानी र निजबारी स्टेसन बीच भएको दुर्घटनामा हालसम्म 15 जनाको मृत्यु भएको छ भने धेरै घाइते भएका छन्। रेलवेले धेरै हेल्पलाइन नम्बरहरू जारी गरेको छ, जहाँबाट मानिसहरूले रेल दुर्घटनाग्रस्त सम्बन्धित जानकारी लिन सक्छन् र घाइतेहरूलाई उत्तर बङ्गाल मेडिकल कलेज अस्पतालमा ल्याइएको छ। यससँगै उत्तर बङ्गालमा डाक्टर पढ्ने विद्यार्थी र स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरू पनि रक्तदान गर्न अघि आएका छन्। दुर्घटनापछि मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी र रेल मन्त्री अश्विनी वैष्णव दुर्घटनास्थलतर्फ प्रस्थान गरेका छन्। यस दुर्घटनामा पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले सोसियल मिडिया प्लेटफर्म एक्समा लेखेकी छन्, दार्जिलिङ जिल्लाको फाँसीदेवाबाट एउटा दुःखद रेल दुर्घटनाको जानकारी प्राप्त भयो, म छक्क परे। पुरा जानकारी आउन बाँकी रहे पनि कञ्चनजङ्घा एक्सप्रेस रेलसँग मालगाडी ठोकिएको छ। उद्धार र चिकित्सा सहायताको लागि टोली घटनास्थलमा पठाइएको छ। डिएम र एसपीलाई पनि घटनास्थलमा पठाइएको छ। उद्धार कार्य युद्ध स्तरमा भइरहेको छ भनी बताए। स्यालदा जाँदै गरेको कञ्चनजङ्घा एक्सप्रेसलाई एउटा मालगाडीले पछाडिबाट ठक्कर दिएको थियो। दुर्घटनाका कारण कञ्चनजङ्घा एक्सप्रेसका 3 बगी पटरीबाट खसेको छ। यस दुर्घटनामा हालसम्म 15 जनाको मृत्यु भएको छ भने धेरै घाइते भएका छन्। यसैबीच रेल मन्त्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थलको निम्ति प्रस्थान गरेका छन्। सोमबार बिहान लगभग 9 बजेतिर अगरतलाबाट स्यालदा जाँदै गरेको 13174 कञ्चनजङ्घा एक्सप्रेस दुर्घटना भएको छ। यो ठक्करबाट कञ्चनजङ्घा एक्सप्रेसका 3 डिब्बा पटरीबाट खसेको थियो, जताततै चिच्चाहाट थियो। घटनापछि हेल्पलाइन नम्बर जारी गरिएको छ। स्यालदा स्टेसनमा एक विशेष हेल्पलाइन बुथ स्थापना गरिएको छ। हेल्पलाइन नम्बरहरू 0332350874, 0332383332 छ रहेको छ। घटनाबारे जानकारी वा सहयोग चाहने यात्रुहरूले यस नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्ने बताइएको छ। यात्रुहरूलाई थप सहायता प्रदान गर्न नैहाटी स्टेसनमा थप हेल्प डेस्क पनि स्थापना गरिएको छ। नैहाटी हेल्पलाइन नम्बर रेलवे नम्बर 39222 र बिएसएनएल नम्बर 0332581218 रहेको छ। गुवाहाटी रेलवे स्टेसनको लागि हेल्पलाइन नम्बर 0361273162 0361273122 र 0361273123 रहेको छ। एलएनजी हेल्पलाइन नम्बर 0367426395 र 0367426381 रहेको छ। दार्जिलिङ पुलिसका अतिरिक्त एसपी अभिषेक रोयले यस दुर्घटनाबारे जानकारी दिएका छन्। सबसे सकाले हामी घटना पेछिलाम कि एकटा ट्रेन एक्सिडेंट এখানে আশা করছি কিউ কিউ লোক আমরা জানিছে ফোনে কি হয়েছে আমরা ইমিডিয়েটলি স্পটে আমাদের পুলিশকে পাঠালাম এখানে দেখলাম আমরা কি এইরকম ঘটনা হয়েছে এন্ড ইমিডিয়েটলি এখানকার লোকাল লোক সাথে পুলিশ মিলিয়ে সব আমরা ইমিডিয়েট স্টার্টিংয়ে কিছু রেসকিউ যে করা হয় ওটা আমরা করলাম আর তারপরে আমরা বাকি যে এজেন্সিজ আছে সবাই এসে এখানে রেসকিউ এফোর্ট মধ্যে ইনভলভ হয়েছে। প্রাথমিকভাবে কতজন আহত মৃত? 10-11 কে আসপাস এটা আমাদের কাছে প্রাথমিক ফিগার আছে। আই এম নট ভেরি শিওর অ্যাবাউট ইট আর অ্যারাউন্ড 50-60 কে আসপাস ইঞ্জার হয়েছিলেন, কিছু লোক রিলিজ ভি হয়ে গেছেন বাট সব হসপিটালে পৌঁছে গেছে, এখানে কেউ আটকে নিয়ে আছেন। আর এই চালক এবং গার্ড সহ চালক এবং গার্ড বি আছেন, উনিও যার ডেথ হয়েছে ওনার মধ্যে ইনভলভ আছেন। ওনার মানে মিনিমাম 10-11 এখন পর্যন্ত যেটা আপনারা পাচ্ছেন সে বললাম আমি। दार्जिलिङ जिल्लापाल प्रीति गोयलले दुर्घटनास्थलमा पुगेर पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै के भने त सुनौ।
আমরা এখন পর্যন্ত যেটা খবর পেয়েছি, নজন মারা গিয়েছে, বডিজ এন বিএমসিএইচ তে আছে। যখনই আমরা খবর পেলাম, আমরা সঙ্গে সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্সকে মোবিলাইজ করলাম, আমাদের ফায়ার টেন্ডারকে মোবিলাইজ করলাম, আমাদের মেডিকেল টিম এখানে পৌঁছলো, আমাদের সিভিল ডিফেন্স ভলেন্টিয়াররা এখানে পৌঁছলো, সঙ্গে সঙ্গে রেস্কিউ অপারেশন চালু করা হলো। এখন 39 মানুষ অ্যাডমিট আছে এনবিএমসিএইচ তে, আর 6 জন অ্যাডমিট আছে ফাঁসি দেবা রুরাল হসপিটালে, আর 9 জন ডিসচার্জও হয়ে গিয়েছে ঠিক হয়ে। তো এখন পর্যন্ত সিচুয়েশন আন্ডার কন্ট্রোল আছে। আপনারা কি কোনো রকম আলাদাভাবে ইনভেস্টিগেশন করবেন? এখন পর্যন্ত যেরকম আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হবে সেরকম নেই। এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে রিপোর্ট নেই। আমাদের মেডিকেল টিম এখানে স্টেশন আছে, আমাদের হেল্প ডেস্ক এখানে আছে, পুলিশও এখানে আছে। যদি কেউ মিসিং রিপোর্ট করে আমরা দেখে নেব, কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউ মিসিং রিপোর্ট নেই। আমরা বাসেসগুলো অ্যারেঞ্জ করলাম স্টেট থেকে, যেখানে যে মানুষ এখানে ট্রেনে না উঠে বাস করে যেতে চেয়েছিল তো তাদেরকে পৌঁছানো দেওয়া হয়েছে। यस दुर्घटनाबारे त्रिपुराका मुख्यमन्त्री मानिक शाहले मैले न्यू जलपाइगुडीमा अगरतलाबाट सियालदा जाँदै गरेको कञ्चनजङ्घा एक्सप्रेसको दुर्घटनाको बारेमा थाहा पाए। मालवाहक रेलसँग ठोकिएर ट्रेनका 3 डिब्बा नराम्ररी क्षतिग्रस्त भएका छन्। उद्धार कार्य जारी छ। सबै यात्रुको सुरक्षा र सुरक्षाका लागि प्रदेश सरकार रेल प्रशासनसँग सम्पर्कमा छ। घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु भनी बताए। यस दुर्घटनामा रेल मन्त्री अश्विनी वैष्णवले पनि उत्तर पूर्वी सीमा क्षेत्रमा एउटा दुर्भाग्यपूर्ण घटना भएको बताए। उद्धार कार्य युद्ध स्तरमा भइरहेको छ। रेलवे एनडिआरएफ र एसडिआरएफ समन्वयमा काम गरिरहेका छन्। घाइतेलाई अस्पताल लगिएको छ। उच्च अधिकारीहरू घटनास्थल पुगेका छन् भनी बताएका छन्। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूले सोसियल मिडिया प्लेटफर्म एक्समा एक पोस्टमा पश्चिम बङ्गालको दार्जिलिङमा रेल दुर्घटनामा परि मानिसहरूको मृत्युको खबर अत्यन्तै दुःखद छ। यो विचार र प्रार्थना शोक सन्तप्त परिवारहरूसँग छ। घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ र राहत तथा उद्धार कार्यको सफलताको कामना गर्दछु भनी बताएकी छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पश्चिम बङ्गाल रेल दुर्घटनामा मारिएका प्रत्येक व्यक्तिका परिवारलाई पिएमएनआरएफबाट 2,00,000 रुपियाँ आर्थिक सहायता दिने घोषणा गरेका छन्। साथै घाइतेहरूलाई 50,000 रुपियाँ दिइनेछ। यसअघि एक्समा पोस्ट गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पश्चिम बङ्गालमा भएको रेल दुर्घटना दुःखद छ, आफ्ना प्रियजनहरू गुमाउनेहरूप्रति मेरो संवेदना, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु, अधिकारीहरूसँग कुरा गरी अवस्थाको जानकारी दिएको थिए, प्रभावितहरूको उद्धारका लागि उद्धार कार्य जारी रहेको छ। रेल मन्त्री अश्विनी वैष्णवजी पनि दुर्घटनास्थलतर्फ प्रस्थान गरेका छन् भनी बताएका छन्। दुर्घटनापछि दार्जिलिङ लोकसभा संसदीय क्षेत्रका सांसद राजु विष्ट पनि घटनास्थलमा पुगेका छन्। उनले उक्त दुर्घटना लिएर दुःख व्यक्त गरेका छन्। जानकारी लेने के लिए नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में अभी अस्पताल विजिट करके बाहर निकला हूँ। अभी तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और एक व्यक्ति का जो है बॉडी का पार्ट मिला है, यानी आप ये मान के चलिए 9 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और टोटल यहाँ पे 52 लोग यानी 52 लोगों को अस्पताल में लाया गया था, जिसमें से 8+1 9 लोग नहीं रहे और बाकी जो 43 लोग हैं उसमें से 4 लोग और एक छोटी बच्ची, 5 लोग थोड़ा सा क्रिटिकल है और बाकी मैं सबको देख कर के आया, कुछ माइनर चोटें हैं। हालसम्म प्राप्त जानकारीको अनुसार उक्त दुर्घटनामा 15 जनाको मृत्यु भएको छ भने धेरै घाइते बनेका छन्। डिब्बामा फँसेका मानिसहरूको उद्धारको प्रयास जारी रहेको छ। हस्त दर्शकवृन्द, यस्तै विभिन्न विषयहरू लिएर हामी तपाईँहरू समक्ष पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे, जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है और वो भी
सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर, डियर लॉटरी। सिलीगुड़ी के फूलबाड़ी स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल में आपका स्वागत है। 80 से अधिक समर्पित डॉक्टरों और कर्मचारियों की एक टीम के नेतृत्व में 300 से अधिक पेशेवरों की एक नर्सिंग टीम द्वारा समर्थित, हम प्रत्येक रोगी को निकट रूप से देखभाल और व्यक्तिगत ध्यान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 120 से अधिक बिस्तरों के साथ हम अपने रोगियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, फूलबारी, सिलीगुड़ी।